नमस्कार। आज हम राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। यह व्याख्यान इतिहास बीए भाग द्वितीय के विद्यार्थियों के लिए है। आहड़ बनास संस्कृति, जो मुख्य रूप से दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है, सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद पाई जाने वाली ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में से एक है। ये ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ संपूर्ण भारत भर में पाई गई हैं, जैसे कि राजस्थान की आहड़ संस्कृति, मालवा की कायथा संस्कृति, महाराष्ट्र की नेवासा संस्कृति। इसी तरीके से दक्षिण भारत और पूर्वी भारत में भी हड़प्पा के पश्चात आने वाली ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों की का विस्तार संपूर्ण भारत भर में पाया जाता है। अब तक के साक्ष्यों के आधार पर इनका हड़प्पा सभ्यता के साथ कोई संबंध अथवा हड़प्पा सभ्यता के साथ इनकी निरंतरता स्थापित नहीं की जा सकी है। इसलिए हर एक ताम्रपाषाणिक सभ्यता अपने आप में एक यूनिट है और अपने समकालीन दूसरी सभ्यताओं से उसका संपर्क उतना ही है जितना कि हमको वहां प्राप्त होने वाले साक्ष्यों से जाहिर होता है। तो राजस्थान में पाई जाने वाली हड़प्पोत्तर ताम्र पाषाणिक संस्कृति को आहड़ संस्कृति नाम दिया गया है, क्योंकि यह है बनास की सहायक नदी आहड़ के किनारे पर पाए जाने वाले बस्ती आहड़ में सर्वप्रथम इसका पता लगा। अपने उस प्रथम पाए जाने वाले स्थान के नाम पर इसका इस संस्कृति का नामकरण आहड़ संस्कृति किया गया है। यह है संस्कृति लगभग 2000 ईसा पूर्व में प्रारंभ होती है। यह है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर, टोंक, मंदसौर, यानी राजस्थान में दक्षिणी राजस्थान और मध्य राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर भी तक विस्तृत थी। वहां पर यानी मंदसौर जिले में, जो कि एमपी में है, इसके साक्ष्य पाए गए हैं। अब तक कुल मिलाकर 90 स्थानों का उत्खनन, 90 स्थानों को पहचाना जा चुका है जो इस संस्कृति से संबंधित हैं। उनमें से कुछ बड़े स्थानों का उत्खनन किया जा चुका है। इसको बनास संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि इस सभ्यता का जो विस्तार है उसकी मुख्य नदी बनास नदी है और आयड़ और बेड़च उसकी सहायक नदियां हैं। तो आयड़ नदी के नाम पर, आयड़ नदी के किनारे बसे हुए आहड़ सिटी के नाम पर आयड़ संस्कृति और बनास नदी के नाम पर इसको बनास संस्कृति, और दोनों को मिलाकर आहड़ बनास संस्कृति कहा जाता है। ये दोनों मैप्स में आहड़ बनास संस्कृति का विस्तार दिखाया गया है। ये भारत के नक्शे के दक्षिण उत्तर पश्चिम में राजस्थान रेड डॉट से दिखाया गया है। इसको एक्सपेंड करके ये उदयपुर भीलवाड़ा जिले दिखाए गए हैं। आहड़, बालाथल, किलुंड, ओझियाणा चारों स्थल आहड़ बनास संस्कृति के सबसे बड़े स्थलों में से है। ये बनास नदी तंत्र का प्रवाह दिखाया गया है। आहड़ और बालाथल दोनों स्थल उदयपुर जिले में है, गिलुंड भीलवाड़ा राजसमंद जिले में है और ओझियाणा भीलवाड़ा जिले में है। कुल 90 स्थानों में से हम इन चार स्थानों का अध्ययन करेंगे। ये भी राजस्थान में आहड़, बालाथल, गिलुंड और ओझियाणा, ये भी आहड़ बनास संस्कृति का विस्तार दिखाया गया है। अब हमको आहड़ बनास संस्कृति का अध्ययन जिन कसौटियों पर करना है उन स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करें। हमने देखा कि 2000 ईसा पूर्व से यह संस्कृति प्रारंभ होती है, जो कि इसका सामूहिक समय है।
प्रत्येक स्थल का अपना समयावधि हो सकती है, जो इस समयावधि सामूहिक समयावधि से थोड़ा भिन्न हो सकती है। तो प्रत्येक स्थान को पढ़ते समय उसकी समयावधि पर हम गौर करेंगे। हम ये देखेंगे कि प्रत्येक स्थान के कितने सांस्कृतिक चरण पाए गए हैं। पूर्व इतिहास को पढ़ते समय हम अनेक बार सांस्कृतिक चरणों की बात करते हैं। हम जानते हैं कि पाषाण काल से लगा से के बाद ताम्र पाषाणिक स्तर आता है और ताम्र पाषाणिक स्तर के बाद लोह स्तर आता है। जब हम सांस्कृतिक चरणों की बात करते हैं, तब हमारा तात्पर्य इन्हीं से होता है। जब हम ये कहते हैं कि एक ही स्थल के एक से ज्यादा सांस्कृतिक चरण पाए गए हैं अलग-अलग दौर में, तो उसका तात्पर्य यह होता है कि उसमें कि क्या उसमें पाषाण युग के, ताम्र पाषाण युग के और लोह युग के तीनों सांस्कृतिक चरणों के अवशेष पाए गए हैं। ये सांस्कृतिक चरण एक ही सांस्कृतिक चरण के भी अलग-अलग दौरों के हो सकते हैं। जैसे कि अकेले ताम्र पाषाणिक स्तर के भी अलग-अलग चरण हो सकते हैं, जिनमें कुछ संरचनात्मक भिन्नताएं पाई जा सकती हैं जो कालक्रम में आगे पीछे होती हैं। जैसे कि पूर्ववर्ती दौर में बिना घरों के कोई बस्ती मिल सकती है, आगामी दौर में घरों के साथ मिल सकती है, पूर्ववर्ती दौर में कच्ची ईंटों का प्रयोग मिल सकता है, आगे आने वाले दौर में पकी हुई ईंटों का, या इस तरीके की और संरचनागत विशेषताओं में भिन्नता मिल सकती है, जिसके कारण उनके सांस्कृतिक चरणों को हम अलग-अलग दौरों में बांट लेते हैं। ये जो ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां हैं, इनका सबसे बड़ा आइडेंटिफाइंग टूल मृत भांड होते हैं। सबसे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ पेंटेड ग्रे वेयर PGW एसोसिएट किए गए हैं। आर्य सभ्यता के साथ ओकर कलर्ड पॉटरी OCP एसोसिएट किए गए हैं। महाजनपद काल और मौर्य काल के साथ नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड NBP टाइप की पॉटरी एसोसिएट की गई है। लेकिन यह है पॉटरी का अलग अलग ऐतिहासिक दौरों के साथ एसोसिएशन अंतिम नहीं है, क्योंकि इनके इनके टाइम पीरियड और एक्सपेंशन के हिसाब से ये हमेशा इसी हिसाब से नहीं चलते हैं। तो ताम्र पाषाणिक स्तर पर हम जब आहट संस्कृति का अध्ययन कर रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि इसकी पोट्री टाइप किस प्रकार का है, क्या ये पोट्री टाइप उस लार्जर पोट्री टाइप के पैटर्न को फॉलो करता है या उससे भिन्न है। तो हम देखेंगे कि ये पोट्री टाइप इस साइट की स्पेसिफिक होगी, उसको हम लार्जर पोट्री पैटर्न के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते हैं। हम ये देखना चाहेंगे कि इस सभ्यता के पूर्ववर्ती दौर में और सांस्कृतिक चरण में आहार संस्कृति के लोगों ने किन किन पशुओं को पालतू बनाया, किन किन अनाजों की खेती करना उन्होंने सीखा, उनकी संस्कृति ग्रामीण थी अथवा शहरी थी, अगर शहरी थी तो उनका व्यापार के संबंध किन किन इलाकों के साथ थे, किन किन वस्तुओं का आयात और निर्यात होता था, खास तौर से उस इन विभिन्न स्थानों में मिलने वाले सांस्कृतिक अवशेष, क्या खास खास अवशेष वहां पर मिलते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात रहेगी। और हम ये देखना चाहेंगे कि इसकी इस संस्कृति की कितनी विशेषताएं सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ मिलती हैं। अब हम चारों स्थानों को देखते हैं अलग-अलग। सबसे पहले आहड़ नाम के स्थल पर इस संस्कृति को पहचाना गया। यहाँ पर हमने बताया कि आहड़ ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति है। यहाँ पर खुदाई का एक दृश्य हमने आपको दिखाया है। 1950 के दशक में ये खुदाई की गई। खुदाई में जो अवशेष मिले उनमें ताम्र उपकरणों की इतनी अधिक मात्रा मिली कि आहड़ का लाक्षणिक नाम ताम्रवती नगरी रख दिया गया। आहड़ को आघाटपुर भी कहते हैं, जो उसका प्रचलित नाम है। और क्योंकि जब भी कभी कोई पुरातात्विक साइट हमको मिलती है, पुरातात्विक शहर हमको मिलता है, तो वहां पर कालक्रम के दौरान धूल जम जाती है और एक टीले का निर्माण हो जाता है। तो क्योंकि आहड़ जिस टीले के नीचे दबा हुआ था, उस टीले को लोकल लोगों ने धूलकोट का नाम दिया, तो आहड़ नगर कई नामों से जाना जाता है। ताम्रवती नगरी के नाम से भी, अघाटपुर के नाम से भी, धूलकोट के नाम से भी। इस स्थल को सबसे पहले 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने पहचाना और कुछ मात्रा में उत्खनन हुआ।
प्रॉपर उत्खनन इसका आरसी अग्रवाल के नेतृत्व में 1954 में और वी एन मिश्रा और एच डी सांकलिया के नेतृत्व में 1961-62 के दौरान हुआ। एच डी सांकलिया ने इसे आहड़ बनास संस्कृति का नाम दिया और आहड़ नाम की साइट पर इस संस्कृति का कालक्रम है 1800 से 1200 BC। आहड़ संस्कृति की का जो एक नगर है उसमें प्राप्त हुए खुदाई में प्राप्त हुए पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर इस समय के आहड़ नगर के जीवन का चित्रण किया गया है। उन साक्ष्यों के आधार पर आहड़ कालीन लोगों के जिन जिन विशेषताओं का पता पड़ता है वो इस प्रकार से हैं। जिस टीले का उत्खनन हुआ उसका साइज 1500 फीट बाई 800 फीट था। ये पुरातात्विक और सांस्कृतिक जिस चरण की हम बात कर रहे हैं उसमें इतने बड़े स्थान का पाया जाना एक बड़े स्थल के रूप में माना जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पुरातात्विक भाषा में या सांस्कृतिक दृष्टिकोण के हिसाब से पुरातात्विक संस्कृति के हिसाब से ये एक बड़ी साइट है। इस साइट के 3 कल्चरल फेजेस हैं, हमने पहले भी बात करी। पहला क्वार्ट्स फेज है, यानी यहाँ पर पाषाण उपकरणों की प्रचुरता मिलेगी। दूसरे फेज में पाषाण के साथ ताम्र होगा, यानी ताम्र पाषाणिक फेज चालकोलिथिक फेज होगी। और तीसरे फेज में आयरन की भी उपस्थिति होगी। यानी आहड़ संस्कृति भारत की ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों को इतना बड़ा योगदान देती है कि वहाँ पर ताम्र पाषाणिक फेज में आयरन की हमको उपस्थिति देखने को मिलती है। इन तीनों सांस्कृतिक दौरों का कालक्रम इस तरीके से होता है कि पाषाण युग सबसे पहले रहता है, चालकोलिथिक फेज उसके पश्चात आता है और आयरन फेज सबसे आखिर में आता है। चालकोलिथिक फेज की उपस्थिति 3000 ईसा पूर्व के आसपास मान सकते हैं। आयरन फेज की उपस्थिति 1000 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है। आपने आहड़ संस्कृति का काल देखा 1800 से 1200 ईसा पूर्व, तो आप देखते हैं कि इस कालक्रम के दौरान जबकि लोहे को 1000 ईस्वी पूर्व में पाया जाना चाहिए, यहाँ पर आहड़ संस्कृति में 1800-1900 से 1200 की समयावधि में आहड़ नगर की 5 खाइयों से लोहे के धातुमय मिले हैं। यानी ये आहड़ संस्कृति की भारतीय संस्कृति को एक बड़ी देन है कि वो एक पुराने स्तर पर यहाँ पर लोहा उत्खनन करके देता है, यानी लोहा युगीन संस्कृति का प्रतिनिधित्व भी करता है। यहाँ पर जब टीले का उत्खनन किया गया तो संरचनात्मक रचनाएं मिली हैं। हालांकि कोई पूरा बना हुआ घर नहीं मिला है, लेकिन संरचना में जो भेद है, मकान के निर्माणों की रचना में जो भेद है, उसके कारण यहाँ पर हाउस बिल्डिंग के 15 संरचनात्मक चरण पहचाने गए हैं। यानी मकानों के निर्माण में इतनी भिन्नता है कि उनको 15 अलग अलग चरणों में विभक्त किया गया है। कोई पूरा मकान नहीं मिला है, लेकिन एक मकान का जो ढांचा मिला है, खाका मिला है, आउटर लाइन मिली है, वो 33 फीट और 10 इंच लंबा था। सांस्कृतिक चरण के इस दौर में इतने बड़े मकान की उपस्थिति को काफी बड़ा मकान माना जाता है। ये मकान 2 भागों में बटा हुआ था। इस मकान में फर्श में अनाज को रखने के लिए गड्ढे बनाए गए थे, जिनको स्तंभ गर्त कहते हैं। ये भी सांस्कृतिक चरणों में, यानी ताम्र पाषाणिक सांस्कृतिक चरणों में मकानों की एक बड़ी विशेषता मानी जाती है, जो कि आहड़ में पाई जाती है। आहड़ में कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन कुछ कुछ निर्माण कार्य पक्की ईंटों के द्वारा भी किया जाता था। और मकानों के बाहर सोक पिट्स, वलयाकार शोषक कुएं जो पानी सोखने का काम करते हैं, इनको चक्रकूप कहा जाता है। ये चक्रकूप या सोक पिट्स आहड़ में पाए गए हैं। आहड़ के लोगों का मुख्य उद्योग कॉपर से अलग अलग तरीके की वस्तुएं बनाना था, जैसा कि इसके नाम से जाहिर होता है, ताम्रवती नगरी नाम दे दिया गया। यहाँ पर तांबा गलाने की भट्टी मिली है एक घर में, और ताम्र उपकरणों की इतनी अधिक मात्रा मिली है। अलग अलग तरीके के ताम्र उपकरण मिले हैं, जो जिनमें कुल्हाड़ियाँ हैं, फलक हैं, मुद्राएं हैं, चूड़ियां हैं, चाकू हैं और दूसरे तरीके के आइटम्स हैं। तो अपने नाम यानी ताम्र पाषाण ताम्र ताम्र नगरी को
ये सार्थक करता है। सांस्कृतिक चरणों में ताम्र पाषाणिक स्तर पर जिन फसलों की प्रारंभ में खेती की गई वो गेहूं और जौ होते थे, लेकिन आहड़ की विशेषता यह है कि यहाँ पर गेहूं और जौ के साथ चावल का साक्ष्य भी मिलता है और संभवतया बाजरे का साक्ष्य भी मिलता है। तो चावल लोहे का साक्ष्य देता है आहड़ का नगर और चावल का साक्ष्य देता है आहड़ का नगर, ये उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से है। हमने पोट्री टाइप की बात की, आप देखिए कि आहड़ में जो पोट्री पाई जाती है वो कई तरीके की है। वो धूसर भांड भी हैं, ग्रे वेयर्स, धूसर रंग के बर्तन, रेड एंड ब्लैक वेयर्स, लाल और काले बर्तन जिनके ऊपर चित्रकारियाँ की गई हैं, पॉलिश्ड वेयर्स हैं, पॉलिश किए गए मृद भांड हैं, और इसके अलावा और कई ये पोट्री के मुख्य रूप हैं। इसके अलावा कुछ पोट्री के कम प्रचलित रूप भी पाए गए हैं। कुल 26 प्रकार के मनके यहाँ पर पाए गए हैं और यहाँ पर कपड़े का साक्ष्य मिला है। कपड़े का साक्ष्य सांस्कृतिक चरण के इस दौर में कपड़े का साक्ष्य ये बताता है कि लोगों ने कपड़ा बुनना सीख लिया था और वो कपड़े को पहना करते थे। टेराकोटा फिगर्स यानी मृण मूर्तियां पाई जाती हैं सांस्कृतिक चरणों में। जिन सांस्कृतिक चरणों की हम बात कर रहे हैं वहां पर ज्यादातर पशुओं की मृण मूर्तियां पाई जाती हैं या मानव आकृतियां पाई जाती हैं। जो सबसे प्रचलित टेराकोटा फिगर यहाँ पर पाया गया है वो बुल का होता है। ये सिंधु घाटी की सभ्यता के समान ही है। बुल फिगर की इतनी अधिक प्रचुरता यहाँ पर पाई गई है अलग अलग आकार और अलग अलग भंगिमाओं में कि इसको आहड़ संस्कृति में संस्कृति के नाम पर ही बनास संस्कृति के नाम से बनासियन बुल की संज्ञा दे दी गई है। हमने देखा कि आहड़ संस्कृति एक ग्रामीण संस्कृति थी, लेकिन भारत की समकालीन ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के साथ इसके व्यापारिक रिश्ते थे। इसका कारण यह था कि आहड़ की उपस्थिति राजस्थान में थी और राजस्थान में अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं में तांबे की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता थी। इसके कारण आपने देखा कि आहड़ में ताम्र उपकरणों की बहुत अधिक उपलब्धता पाई गई है और ताम्र उद्योग इतना अधिक विकसित होने के कारण अपने पड़ोसी संस्कृतियों को ये ताम्र के उपकरणों का निर्यात करता था। आप देखेंगे कि मध्य भारत में और दक्षिण भारत में और दूसरी कुछ संस्कृतियों में आहड़ संस्कृति के ताम्र पाषाणिक उपकरण पाए गए हैं। तो ये आहड़ संस्कृति का अपनी समकालीन दूसरी संस्कृतियों के साथ व्यापारिक संबंधों को बताते हैं। ये आहड़ संस्कृति है, इसकी कुछ विशेषताओं की बात हमने करी। सबसे महत्वपूर्ण तीन विशेषताएं हैं इसकी। नंबर एक, ये ताम्र पाषाणिक स्तर पर आयरन का साक्ष्य मिलता है। दूसरा, यहाँ पर चावल का साक्ष्य मिलता है जबकि ताम्र पाषाणिक स्तर पर गेहूं और जौ की खेतियां पाई जाती हैं, यहाँ पर चावल का साक्ष्य भी मिलता है। तीसरा, एक बड़ा महत्वपूर्ण देन यह है कि यहाँ पर कपड़े का साक्ष्य भी मिलता है, कपड़ा उद्योग की उपस्थिति जाहिर होती है। और चौथी यह है कि इसके व्यापारिक संबंध अपने समकालीन संस्कृतियों के साथ भी थे। और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता या एक इंटरेस्टिंग विशेषता इसकी बनासियन बुल की है। बुल फिगर्स अधिक मात्रा में पाए जाने के कारण इसका प्रारूपिक नाम पड़ गया है जिसको बनासियन बुल कहा जाता है। ये आहड़ संस्कृति के अन्य स्थलों पर भी पाया जाएगा। ये दूसरे स्थल के बारे में हम देख लेते हैं, गिलूंड, जो कि राजसमंद जिले में है। इस स्थल का उत्खनन पीवी लाल के नेतृत्व में 1959-60 के दौरान हुआ। इसके दो टीले पाए गए, आहड़ के एक टीले के कंपैरिजन में इसके दो टीले पाए गए जिसको पूर्वी और पश्चिमी टीलों का नाम दिया गया। ये भी ताम्रपाषाणिक है, स्वाभाविक रूप से आहड़ संस्कृति का स्थल है, लेकिन इसके दो सांस्कृतिक चरण हैं जो कि ताम्रपाषाणिक स्तर के ही हैं। पहला इसका सांस्कृतिक चरण 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक आता है। दूसरा चरण लेटर आहड़ 2000 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक आता है। गिलोंड के एक किले का साइज 1500 फीट बाई 700 फीट है। ये भी इस सांस्कृतिक चरण में किसी बस्ती का पर्याप्त बड़ा आकार को इंगित करता है। जो मुख्य चीज यहाँ पर पाई गई है वो यह है कि एक बड़े बर्तन में 100 से अधिक मात्रा में सीलें, मुद्राएं या मुहरें पाई गई हैं। इनको 2003 ईस्वी में ढूंढा गया था और गिलोंड के साथ एसोसिएट किया गया था। यहाँ पर एक भवन के साक्ष्य मिले हैं जो कि 100 बाई 80 फीट का था। ये भी इस कालक्रम के हिसाब से
भवन का एक काफी बड़े नमूने के रूप में घरों के निर्माण को प्रस्तुत करता है। बालाथल उदयपुर में है, जो कि आर्य संस्कृति का एक स्थल है। इस स्थल का उत्खनन पीएन मिश्रा के द्वारा 1962-63 में किया गया। इस स्थल का पता 1962-63 में वीएन मिश्रा के द्वारा लगाया गया। उत्खनन 1993 में डॉक्टर बी.एस. शिंदे, डॉक्टर आर.के. मोहंती, डॉक्टर देव कोठारी की टीम के द्वारा डॉक्टर वी.एन. मिश्रा के नेतृत्व में किया गया। इस स्थल के तीन सांस्कृतिक चरण हैं। पहले तीन सांस्कृतिक चरण हैं, जो कि ताम्रपाषाणिक स्तर के ही हैं। यहाँ पर एक किले का साक्ष्य मिला है। यहाँ पर नई बात यह है कि किला का साक्ष्य मिला है और एक ऐसा कंपाउंड मिला है जिसमें 11 कमरे हैं। ये सेकंड फेज में पाया गया है। यहाँ पर आयरन या लोहा गलाने के साक्ष्य भी मिलते हैं। आहड़ के बाद आहड़ बनास संस्कृति का ये दूसरा साक्ष्य है, जहाँ पर लोहे का उपयोग ताम्रपाषाणिक स्तर पर ही दिखाई देता है। यहाँ पर भी कपड़े के साक्ष्य पाए गए हैं। ओझियाणा एक अन्य स्थल है, महत्वपूर्ण स्थल है, जो कि भीलवाड़ा जिले में है। इस स्थल का उत्खनन 2000 ईस्वी में बी.आर. मीणा और आलोक त्रिपाठी के द्वारा किया गया। ये इस स्थल की समयावधि 3000 से 1500 ईसा पूर्व है। इस स्थल के तीन सांस्कृतिक चरण हैं, तीनों ताम्रपाषाणिक फेज के ही हैं। ये ऐसा अकेला आहड़ संस्कृति का स्थल है, जो कि एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है। बाकी अन्य स्थल नदियों के किनारे पाए गए हैं। यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में बुल, जिसको कि बनासियन बुल की संज्ञा हमने दी थी, सफेद रंग का पेंटेड बुल के टेराकोटा फिगर्स पाए गए हैं। इसको ओझियाना बुल या बनासियन बुल कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात ओझियाना की यह है कि यहाँ पर गाय की एक आकृति पाई गई है। गाय की पूजा या गाय की उपलब्धता को आर्य सभ्यता के साथ जोड़ा जाता है। आर्यों से पूर्व हड़प्पा सभ्यता में या हड़प्पोत्तर संस्कृतियों में बैल मुख्य फीचर रहा है। गाय की फिगर्स की अवेलेबिलिटी नहीं पाई जाती है। तो आहड़ बनास संस्कृति के ओझियाणा स्थल की विशेषता यह है कि यहाँ पर गाय का एक टेराकोटा फिगर पाया गया है। कुछ नमूने हैं जो हमने आर्कियोलॉजिकल रेमनेंट्स के आपको दिखाने के लिए प्रस्तुत किए हैं। ये ग्रे वेयर्स हैं, धूसर भांड हैं, जो कि आहड़ से मिले हैं। ये बिलूंड से पाई गई 100 से अधिक मुहरों में से एक मुहर का चित्र है। धन्यवाद।